बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑनरेबल सेक्रेटरी इंडस्ट्री इमदादुल्ला बसाल साहब, ईडीबी सीईओ रजा साहब, ऑनरेबल लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। टू बी ऑनेस्ट, इसमें कोई देर इज नो डाउट यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। द कंट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम और जो भी इंडस्ट्री इम्पोर्ट रिलेटेड है उनको इस टाइम पे मुश्किलात का सामना है। और मैं समझता हूँ कि वी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। जो जहाँ आज पाकिस्तान आके खड़ा है, हम सब का कसूर है, फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू ब्यूरोक्रेसी, फ्रॉम जुडिशरी, सब हम सब स्टेक होल्डर्स का कसूर है, प्राइवेट सेक्टर का भी कसूर है। तो इसमें कोई शक नहीं, हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इसे सीखना चाहिए। हमें इस जो मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, इससे हमें जो सियासतदान हैं उनको भी सीखना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी सीखना चाहिए, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसको सीखना चाहिए। जब इनिशियली व्हेन आई टुक चार्ज और आप लोगों से मेरी इंगेजमेंट हुई और आई विजिटेड डिफरेंट प्लांट्स, मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता था। और आप लोगों के साथ हमारी बड़ी डिस्कशन भी हुई रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जो ये हमारा ये ट्रेड डेफिसिट है उसकी वजह से, डिप्लीटिंग डॉलर्स की वजह से जो आप लोगों को एक मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं, तो मुझे उस चीज़ का दुख है और मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ। और मुझे दुख सिर्फ इस वजह से और सिंपथी आप लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप लोग ब्रांड न्यू एक नई इंडस्ट्री थे जो उभर के सामने आ रहे थे, लेकिन आप लोगों को ये मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे सीखें। हम लोगों ने ओवर द ईयर्स इंडस्ट्री और मुल्क भी इवॉल्व किया है, लेकिन वो एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रही और हम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सके जो एज अ कंट्री भी, और हमारी जो इंडस्ट्री है डिफरेंट सेक्टर्स वो भी उस तरह एफिशिएंट नहीं हो सकी। वो डिपेंडेंट रही हैं गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रही, वो पॉलिसीज़ आई हैं फिर चेंज होती रह गई हैं, तो इंडस्ट्री भी इवॉल्व नहीं कर सकी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उस तरह इवॉल्व नहीं कर सका। तो आज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो हमने इससे सीख के आगे जाना है। मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री में, मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें कंपेरेटिव एडवांटेज है, वी हैव चीप लेबर, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। अगर हम लेबर प्रोडक्टिविटी देखें तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को अपनी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। देर इज़ नो डाउट, अभी आमिर साहब ने जिस तरह प्रेजेंटेशन दी कि हमारी $150 पर मंथ है और चाइना की $700 है, देर इज़ नो डाउट वी हैव अ कंपेरेटिव एज, लेकिन हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली अभी आप लोगों को इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन आगे आप लोगों को इसमें भी फोकस करना है कि हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी ये भी हम बढ़ाएं। और इसमें वॉल्यूम जो है मोबाइल फ़ोन्स का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, 4 करोड़ के करीब वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है इससे बहुत ज़्यादा हम लोकलाइजेशन की तरफ आ सकते हैं। छोटे जिस तरह आप बता रहे थे, प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, पैकेजिंग है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब हमें एग्रेसिवली लोकलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा। ये एक नई इंडस्ट्री है, एक नया सेक्टर है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि आप सब समझदार लोग हैं। आप सब एक जो जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रखूँगा कि आपको अग्रेसिवली लोकलाइजेशन की तरफ आना चाहिए क्योंकि ये हालात आपके सामने हैं। आपने ये नई इंडस्ट्री है, आप लोग फेस कर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन इस तकलीफ से सीखना पड़ेगा और अपने अग्रेसिवली लोकलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा। और मैं इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हमारी हमें आज पाकिस्तान को इन हालात में भी मुश्किलात का ज़रूर सामना है, लेकिन इन हालात में भी डॉलर जिस तरह रुपी डिप्रिशिएट किए उससे हमारी लेबर कॉस्ट और सस्ती होगी, तो हमें एक कंपेरेटिव एज एक बहुत बड़ा हमारे सामने खड़ा है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाते हुए एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, आप सब जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं इस बात के गवाह होंगे कि मैंने आपके साथ इंगेजमेंट रखी, ईडीबी ने आपके साथ इंगेजमेंट रखी, सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया आपकी स्टेट बैंक के साथ, आपके इश्यूज जो थे जितना हम रिजॉल्व कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान इस जो ये फेज से हम गुजर रहे हैं इसे निकल आएगा, शॉर्ट टर्म में रिलीफ हमें एक मिल जाएगा, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म हमें आगे अपनी लंबी एक सोच रखनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का काम है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देना, इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है, प्राइवेट सेक्टर का काम है अपनी एक टारगेट गोल बनाना कि इंशाल्लाह 10 साल में या 5 साल में आप मैक्सिमम लोकलाइजेशन की तरफ आएँ और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होएगा। अभी हमारी मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी फ्लॉड पॉलिसीज रही हैं ओवर द ईयर्स, जहाँ हमने एक्चुअली इम्पोर्ट को इंकरेज किया और मैन्युफैक्चरिंग को डिस्करेज किया। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है,
हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते हैं, हमारी नहरों में पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर की जो हमारे वीट टाइप कमोडिटी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, इतना पोटेंशियल है, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, साइज भी है, हर चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह ये मुल्क इवॉल्व करेगा, प्राइवेट सेक्टर के पास एक बहुत बड़ा ये प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले कर सकता है, ख़ास तौर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इस दौरान के इस जिस बुरहान से आप सब गुजर रहे हैं। मुझे पता है इस बात का कि बहुत हार्डशिप से आप गुजर रहे हैं और मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन हमने इस तकलीफ से सीखना है और हमने लोकलाइजेशन, अग्रेसिवली लोकलाइजेशन की तरफ आना है, अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ जितने भी हम लोग हैं, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, आप जो भी प्रपोजल अपना बना लें आगे के हवाले से एक्सपोर्ट रिलेटेड, हम पहले भी आपके साथ एंगेजमेंट रखी है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जिस तरह ये मुल्क इवॉल्व करेगा, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखता हूँ। और आप सबको भी अब इंशाल्लाह इस हालात से सीखना पड़ेगा और लोकलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को टारगेट करना पड़ेगा। थैंक यू। मैं अभी आई हैव टू गो फॉर माई कैबिनेट मीटिंग, मैं कोशिश करूँगा मैं वापस आ जाऊँ ताकि आप लोगों के साथ मजीद हमारी डिस्कशन हो सके। यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू इन माई ऑफिस और अभी भी आके हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।